जय गुरु जी। लेट मी स्टार्ट माई सत्संग नाउ। संगत जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि गुरु जी ने आज फिर हमें ये मौका दिया कि हम और आप फिर से साथ साथ बैठ सकें और गुरु का गुणगान कर पाए। हमारी कोई औकात नहीं कि हम गुरु जी का सत्संग कर पाए, सुन पाए, अपने घर में अरेंज कर पाए। ये सब मालिक की कृपा होती है। जब गुरु जी की कृपा, तब गुरु जी डिसाइड करते हैं और उसमें कौन कौन जुड़ता है, किससे सत्संग कराते हैं, ये सब गुरु जी डिसाइड करते हैं। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा गुरु जी के बारे में, जो जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो मुझे जैसे ऐसे समझ दी है गुरु जी ने, उसको मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। बहुत सी संगत पुरानी भी होगी जो गुरु जी के साथ में, जो गुरु जी से मिली हुई है, अभी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बहुत संगत ऐसी भी होगी जिन्होंने गुरु जी को नहीं देखा है, और कुछ लोग शायद ऐसे भी हों जिन्होंने शायद अभी तक कोई सत्संग भी अटेंड ना किया हो। तो प्लीज़ इस वक्त जब हम गुरु जी के साथ बैठे हैं, थोड़ा सा गुरु जी का ध्यान कीजिए। गुरु जी के स्वरूप से हम गुरु जी की इमेज को ध्यान करते हैं और हम गुरु जी से ये प्रार्थना करते हैं इस वक्त कि गुरु जी, जब हम अपने आपके सत्संग में बैठे हैं तो हम आपसे कनेक्ट हो पाएं। गुरु जी, हमें, हम और आप, अपने आप हम कोई कनेक्ट नहीं हो सकते। जब परमात्मा हमें ये शक्ति देता है, परमात्मा की कृपा होती है, तभी हम उनसे जुड़ पाते हैं। हम सब गुरु जी के साथ में जो हम आए, गुरु जी से जुड़े, सबके पीछे कोई अपना अपना रीज़न रहा। अक्सर कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे साथ रही, कोई तंगी हमारे साथ रही, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम इस दर पे पहुंचे। ऐसा कहना बहुत गलत होगा कि शायद कोई बिल्कुल खुशी खुशी ये समझ के आया कि मैं परमात्मा के घर पे आ रहा हूँ। हम सब अलग अलग टाइम, अलग अलग वक्त जुड़े गुरुजी से, और हम जब जुड़े गुरुजी से, इनिशियली सबके मन में डाउट्स भी आए, क्योंकि ये दर एक डिफरेंट दर था। इस दर के ऊपर हमने देखा कि ये वो ट्रेडिशनल गुरु नहीं थे, ये वो ट्रेडिशनल किसी का दरबार इस तरह का नहीं था कि वहाँ पर कोई भभूत चल रही है या कोई हवन हो रहा है या कोई जोत जल रही है या कोई काले कपड़ों में कोई कोई बैठा है। ये एक बिल्कुल अलग डिफरेंट चीज़ हमें देखने को मिली। जब हम जुड़े, मैं जुड़ा, तब भी सबसे पहले डाउट आया मन में कि हम कहाँ आ गए। और अब भी जो लोग जुड़ते हैं, जो लोग देखते हैं गुरुजी के स्वरूप को, जो लोग हमारे सत्संग सुनते हैं, सब कहते हैं भला ऐसा कैसे पॉसिबल है, हाउ इज इट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोगों से सुनते हैं कि किसी ने एक लंगर खाया गुरुजी के दर पे जाके और उसका कैंसर दूर हो गया। कोई कहता है मेरी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई। तो सबके मन में ये डाउट आता है भला ये ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब हम एक दूसरे के सत्संग सुनते हैं, और सत्संग का मतलब ही ये है, सत्य का संग, कि जो कुछ हम बोल रहे हैं, जो हमारे साथ हुआ है, हम उसको अपने फैमिली मेंबर, ये सब मेरी फैमिली है, हमारी संगत जो है गुरु जी की फैमिली है, हम उन सब के साथ में उनको शेयर करते हैं। और हमारे सत्संग से, हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू, और संगत के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो उनके क्वेश्चंस के आंसर्स उनसे मिलने शुरू हो जाते हैं। आज भी मुझे पता नहीं कि गुरु जी क्या सत्संग करवाएंगे। जो भी गुरु जी मुझे आज्ञा देंगे, जो कोई इंसिडेंट मुझे याद करवाएंगे या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग गुरु जी के बारे में होगी, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और मैंने देखा है बहुत सी बार जब मैं सत्संग कर रहा होता हूं, मैं एक बात करता होता हूं और उसके बाद में ऑल ऑफ ए सडन ऑफ ट्रैक होके मैं दूसरी बात शुरू कर देता हूं। आई वंडर ये सब क्या होता है। लेकिन उसका भी मुझे बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि ये सब जो होता है वो गुरु जी करवाते हैं। वो गुरुजी डिसाइड करते हैं कि कौन सा सत्संग करना है, कितनी देर करना है, उस सत्संग की कौन सी इंसिडेंट को हमने यहाँ पे नरेट करना है। सोनिया कथुरिया आंटी मुझसे काफ़ी दिनों से कह रही थी कि अंकल आप सत्संग कर लो, सत्संग करो। मैं देख रहा था कि ब्लेसिंग ग्रुप में बहुत सत्संग हो रहे हैं, सुबह से शाम तक सत्संग चल रहे हैं, और मैं सोचता था इतने ज़्यादा सत्संग का क्या फ़ायदा है। मेरे सत्संग तो आप लोगों ने यूट्यूब पे और जगह के भी देख रखे होंगे, देखे होंगे। लेकिन आंटी ने फिर बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करी, कहने लगी नहीं अंकल करो। पता नहीं उनको कहाँ से पता चला
एक बात कि मैं कई बार मैं गुरुजी के बारे में आई डोंट सिंग, मुझे गाना नहीं आता, और ऐसे ही मन में ख्याल आया, मैंने कुछ गुरुजी के बारे में लिखा। किसी ने मुझसे पूछा गुरुजी क्या है, और मैं बैठ के लिख रहा था कि गुरुजी क्या है, और मैंने उसको सिंगिंग शुरू कर दी अपने आप। ऐसे ही गाने लगा मैं, ऐसी अपनी फटी हुई आवाज में, और मेरे पास में मैंने एक ढपली खरीदी, ढपली बजानी नहीं आती थी, उसके ऊपर मैंने बजाना भी शुरू किया। और एक दो अपने फैमिली के सत्संग में कई बार गुरुजी की आज्ञा हुई कि तू जा और ये लोगों के सामने गा। अब मुझे गाना तो आता नहीं है, मुझे कुछ ऐसा चीज नहीं है, तो मैं उसको करता था। अभी उस दिन मुझे सोनिया आंटी कहने लगी, अंकल आपने आना है और आपने प्लीज वो भी आप सब सब संगत को सुनाओगे। मैंने कहा आंटी मैं गाता तो हुई नहीं, आपको कैसे पता चला? बोली नहीं हमें भी खबर आ जाती है इस चीज की, सो प्लीज आप वो करना। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो भी चीज आपके साथ में कर पाऊं। यूजली जब हम साथ बैठते हैं तो क्या होता है, मैं बोलता हूं संगत भी बोलती है और हम गुरुजी के नाम में खो जाते हैं। आज वो बहुत डिफिकल्ट होगा कि हम फेसबुक पे बैठे हैं, मेरे सामने मेरा खाली एक स्क्रीन दिख रहा है और आप सब लोगों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, खाली कमेंट्स हैं साथ में। तो मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं शुरुआत उसी से करूं कि मेरी गुरुजी की अंडरस्टैंडिंग क्या है। मैं अपना ये छोटा सा एक मेरा इंस्ट्रूमेंट है, इसको मैं अपने साथ रखूंगा और मैं इसको बजाऊंगा, और इसके साथ में मैं गुरुजी के बारे में कहूंगा। आप भी थोड़ा सा जो बात मैं कहूंगा उस चीज पे ध्यान कंसंट्रेट करिएगा आंख बंद करके। ये मत सोचिएगा कि मुझे गाना तो आता नहीं है, नेचुरली आई एम जस्ट सिंगिंग। जस्ट इमेजिन कि कोई आपको गुरुजी के बारे में थोड़ा सा कुछ बता रहा है कि गुरुजी क्या है, तो मैं वही कोशिश करूंगा और उसके बाद में देन आई विल कंटिन्यू शेयरिंग माई सत्संग। इसको जाम्बे बोलते हैं, आई एम गोइंग टू यूज दिस एंड आई विल प्ले विद दिस एंड आई विल सिंग फॉर गुरु जी। तो गुरु जी की आज्ञा से Guru Ji.
गुरु जी
माता गुरु जी, माता गुरु जी, पिता गुरु जी, बहन गुरु जी, भ्राता गुरु जी, माता गुरु जी, पिता गुरु जी, बहन गुरु जी, भ्राता गुरु जी, बंधु गुरु जी, सखा गुरु जी, बंधु गुरु जी, सखा गुरु जी, अंकल नाती गुरु जी, रिश्ते नाते गुरु जी, भगत गुरु जी, संगत गुरु जी, पंगत गुरु जी, संगत गुरु जी, सत्संग गुरु जी, अंग संग गुरु जी, सत्संग गुरु जी, अंग संग गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु जी, परमत गुरु जी, सागर गुरु जी, गुरु जी, सागर गुरु जी, नदिया गुरु जी, झरना गुरु जी, नदिया गुरु जी, झरना गुरु जी, भवन गुरु जी, लहर गुरु जी, भवन गुरु जी, लहर गुरु जी, भवन गुरु जी, लहर गुरु जी, किनारा जी, सहारा गुरु जी, किनारा गुरु जी, सारा गुरु जी, नैया गुरु जी, केवैया गुरु जी, नैया गुरु जी, केवैया गुरु जी, नैया गुरु जी, केवैया गुरु जी, पतवार गुरु जी, करे पार गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु, जीव जंतु गुरु जी, पशु पक्षी गुरु जी, जीव जंतु गुरु जी, पशु पक्षी गुरु जी, पेड़ पौधा गुरु, फूल पत्ता गुरु जी, पेड़ पौधा गुरु जी, फूल पत्ता गुरु जी, खास गुरु जी, एहसास गुरु जी, खास गुरु जी, एहसास गुरु जी, विश्वास गुरु जी, आभास गुरु जी, विश्वास गुरु जी, आभास गुरु जी, मेरे पास गुरु जी, सबके साथ गुरु जी, मेरे पास गुरु जी, सबके साथ गुरु जी, लेकिन है कहां गुरु जी, कहते हैं जरा मन के भाव से सोचो कि गुरु जी है कहां, बाएं गुरु जी, दाएं गुरु जी, फील करिए, बाएं गुरु जी, दाएं गुरु जी, आगे गुरु जी, पीछे गुरु जी, दाएं गुरु जी, दाएं गुरु जी, आगे गुरु जी, पीछे गुरु जी, ऊपर गुरु जी, नीचे गुरु जी, ऊपर गुरु जी, नीचे गुरु जी, पार गुरु जी, अंदर गुरु जी, दूरी गुरु जी, जलंधर गुरु जी, गुरु जी, अंदर गुरु जी, दुगरी गुरु जी, जलंधर गुरु जी, बड़ा मंदर गुरु जी, सबके अंदर गुरु जी, बड़ा मंदर गुरु जी, सबके अंदर गुरु जी, जस जाओ गुरु और पाओ गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु, जय गुरु जी, ध्वनि गुरु जी, दृष्टि गुरु जी, जो मेरे कान में आवाज आती है, ये गुरु की ही आवाज आए, मैं गुरु के शब्द सुनूं, कुर्बानी सुनूं, गुरु की आवाज सुनूं, जो मेरे कानों में और मेरी इन आंखों से जो मैं देखूं,
मुझे बस गुरु ही दिखाई दे, तो कहा धनी गुरु जी, दृष्टि गुरु जी, सुगंध गुरु जी, मुंह का स्वाद गुरु जी। मुझे जो सुगंध आए, जो मेरी नासिका, जिस चीज की भी सुगंध आए, मुझे बस गुरु की ही, वो रोजेस की, वो चंदन की, वो चमेली की, गुरु की ही खुशबू मुझे सुनाई पड़े। और मैं जो भी चीज टेस्ट करूं, उसमें मुझे गुरु का लंगर, गुरु की ब्लेसिंग का ही टेस्ट आए। तो इसने फिर से कहा, धनी गुरु जी, दृष्टि गुरु जी, सुगंध गुरु, मुख का स्वाद गुरु जी, स्पर्श गुरु जी, जय जय गुरु जी। स्पर्श मुझे जो छुए, और मैं जिस चीज को छू, मुझे बस गुरु की ही फीलिंग आए कि गुरु जी मुझे छू रहे हैं। धनी गुरु जी, दृष्टि गुरु जी, सुगंध गुरु जी, मुख का स्वाद गुरु जी, स्पर्श गुरु, जय जय गुरु। थोड़ा सा गुरु जी का मैंने गुणगान किया, मुझे गलती है मेरी, माफ करिएगा, आई एम सो सॉरी, मुझे गाना नहीं आता। जो कुछ गुरु जी के लिए मैंने थोड़ा सा लिखा कि गुरु जी क्या हैं, ये सब इन शब्दों में थोड़ा सा मैंने कहने की कोशिश की, मेरे से जो गलती हुई हो संगत जी मुझे माफ करिएगा। गुरु जी के पास मेरा आना, आप लोगों ने मेरे सत्संग सुने होंगे शायद, 2003 में इस रूप में मैं फिजिकल इसमें गुरुजी के साथ जुड़ा, लेकिन गुरुजी ने मुझे बता दिया कि तू जुड़ा अब है, लेकिन हम सब जो गुरुजी के पास आए, पता नहीं कितने जन्मों से हम जुड़े हुए हैं। एक हमारा वक्त आता है, एक समय आता है, उस समय में गुरुजी के साथ हम फिजिकली जुड़ते हैं, और लेकिन गुरुजी हमें दिखा देते हैं कि तुम मेरे साथ में, तुम्हारी सोल और मेरा कनेक्शन पता नहीं कितने जन्मों का कब का है। मेरे साथ जो लोग जानते हैं, आई एम ए होटेलियर बाय प्रोफेशन, और कभी मैं और आर्य समाज का मेरा एक बैकग्राउंड रहा था पीछे, मेरे ग्रैंडफादर मदर आर्य समाज को पक्का मानते थे टोटली, और हमारे घर में हमेशा हवन होता था, तो मंदिर में भी हम जाते थे तो कभी मत्था नहीं टेकते थे, लेकिन क्या पता था कि एक दिन मैं एक गुरु के दर पे, उस वक्त तो मैं इनको इंसान मानता हूँ कि एक इंसान के घर पे मैं आया, और जिनके पैरों में मैंने सिर रखा और मैं उनका होके रह गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ का, गुरुजी का, कि गुरुजी ने मुझे वो अकल दी, मुझे अपने दर पे इस काबिल समझा कि मैं इनके दर पे आ पाऊँ, और उसके बाद में गुरुजी ने मेरी लाइफ पूरी चेंज कर दी। सबसे पहले मेरी ईगो ख़त्म करी, जो मन में बड़ा फीलिंग ये थी कि मैं पता नहीं वर्ल्ड में कहाँ कहाँ काम करके आया हूँ, क्वीन के साथ में फोटोग्राफ है, इसके साथ उसके साथ, इन बड़े बड़े होटलों में, डिफरेंट कंट्रीज़ में काम किया है,
आई वॉज प्राउड, आई यूज टू फील कि ये सब मैंने किया है, मैंने लोगों को ट्रेन किया है जो टॉप पोजिशंस में पहुंच गए। लेकिन मालिक ने मुझे दिखा दिया, बता दिया कि तू कौन होता है ये सब कुछ करने वाला, इस सब के पीछे मेरा हाथ था, जो जो तेरी लाइफ में जो कुछ हुआ इसका हाथ, गुरु जी का हाथ। मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये उनका हाथ था और वो पल पल हर पल मेरे साथ हैं, हर एक मेरे उसके लिए। और मैं मालिक का शुक्राना करता हूँ उस चीज़ का कि मालिक ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके दर पे आ पाऊँ, और इतने मेरे साथ में आजकल भी इस लॉकडाउन के पीरियड में 5 महीने से अगर देखा जाए, अगर प्रॉब्लम गिनवाने लगे तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स, लेकिन मैं कहता हूँ गुरुजी ने मुझे इस पीरियड में भी बहुत बिजी रखा हुआ है। कहाँ कहाँ से मेरे पास में किसी की कॉल आ जाती है जिसको मैं जानता भी नहीं, उनके साथ में फ़ोन के ऊपर एक एक 1.5 घंटे के सत्संग हो जाते हैं, उसमें मेरा भी कल्याण हो रहा होगा, उसकी भी जो जो संगत मुझे कॉल करती है उनकी भी कोई प्रॉब्लम्स है, मुझे नहीं पता चलता है क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, गुरुजी ने मुझे बिजी रखा हुआ है, और मन से, मेरे मन से एकदम यही शब्द निकलता है कि मालिक तेरा शुक्राना। गुरुजी का हर पल इसी चीज़ का मन से शब्द निकलते हैं कि आपका शुक्राना। मुझसे लोग कहते हैं कि आप गुरुजी को क्या समझते हो, क्या है गुरुजी, क्या गुरुजी शिवजी हैं? मैं कहता हूँ नहीं, गुरुजी शिवजी नहीं है। गुरुजी जब चोले में थे, गुरुजी कहा करते थे मैं ओम हूँ, मैं लाइट में से आया हूँ, लाइट में चला जाऊँगा। तब ये समझ में नहीं आता ये ओम और ये महाशिव वर्ड क्या है, बहुत साल लग गए। आई बस से एटलीस्ट इट टुक मी मोर देन 10 ईयर्स, ऑल दो गुरुजी के साथ तो फिजिकल रूप में आए हुए 17-18 साल हो गए, लेकिन 10 साल लग गए मुझे इस चीज़ को समझने में कि ये सब है क्या, व्हाट इज, मतलब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग गुरुजी की कि महाशिव जो कहते हैं, तो समझ में आया कि गुरुजी तो वो शक्ति है, सुप्रीम डिवाइन पावर है, डिवाइन एनर्जी है, जिससे सब कुछ सृष्टि की रचना जो भी कुछ हुआ है उसके अंदर वो एनर्जी है, और जितने गॉड गॉडेसेस हैं दीज आर ऑल, सब उन्हीं का अंश है, चाहे हम ब्रह्मा बोलें, विष्णु बोलें, महेश बोलें, या हम जिन देवियों के भी नाम लेते हैं। और गुरुजी ने ये बात कह दी कि तुम एक को मानो, गुरुजी कहते थे कि एक नाव में पैर रखो और जिसको मानते हो एक को मानो, दर दर मत भटको। बहुत अजीब लगता था कि कोई कहता है मैं साईं बाबा को मानता हूं, अब तक मैं साईं बाबा को मानता रहा, अब मैं उसको छोड़ के कैसे गुरुजी को मान लूं, या खाली गुरुजी को मान लूं, मैं तो माता रानी को मानती थी। कोई लेडी कहती है मैं तो फास्ट रखती हूं, नवरात्रि की फास्ट रखती हूं, वैष्णो देवी जाती हूं। तो हरेक का अपना अपना एक प्रोसेस रहा, और सबको बड़ी झिझक होती है जब हम कहते हैं, और ये मालूम है कि गुरुजी के दर पे हमें सब कुछ मिल रहा है और हमारी सारी प्रॉब्लम, हमारी सब चीज़ों का सॉल्यूशन गुरुजी के दर पे है, लेकिन मन में एक वो गिल्ट फीलिंग आती है, भला हम अब तक जिसको मानते रहे उसको कैसे छोड़ दें। गुरुजी ने हमें ये नहीं बोला उनको छोड़ दो, गुरुजी ने बोला अब तक तुमने जिसको माना है, जिस तरह से हर एक क्लास में हमारे टीचर होते हैं, क्लास 1 से क्लास 2 क्लास 3, हम उस टीचर को छोड़ के दूसरे टीचर के पास चले जाते हैं, तो उसी तरह से गुरु ने कहा कि तुम्हारी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट एनर्जीज का रोल रहा है, जिनको आप धर्म बोलें, वट एवर यू मे से, जिनको भी आपने अब तक माना, क्योंकि आपने कुछ अच्छे कर्म किए, और जब मालिक ने, जब प्रभु ने, जब परमात्मा ने, जब रब ने, जब खुदा ने ऊपर से हमें बुलाया, जब गुरु जी ने हमें इशारा किया, तो जिसको हमने माना उसने ले जाके हमारा हाथ ऊपर वाले के हाथ में दिया, एक स्टेप और ऊपर लेके चला गया। और अब जब हमने वो स्टेप ले लिया, तो हमें खाली उनका शुक्राना करना है, उनका हमें थैंक यू कहना है कि थैंक यू कि आपने हमें आप ऊपर रब के पास लेके जा रहे हो, तो गुरुजी का भी शुक्राना करना है, और फिर हमें खाली एक, अगर हम गुरुजी को मानते हैं तो गुरुजी का ध्यान करना है, यही वो एनर्जी है जो हमारे अंदर है, यही वो शक्ति है जिससे सारी दुनिया चल रही है, और ये गुरुजी हमें पल पल इस चीज का याद दिलाते रहते हैं। मेरे साथ एक बार 2012 की बात है, करीबन 2012 की, गुरुजी चोला छोड़ चुके थे 2007 में, तब बड़े मंदिर में भी इतनी संगत नहीं होती थी, लिमिटेड संगत होती थी। तो उस दिन मैं बड़े मंदिर गया और बड़े हॉल में बैठे, बड़ा अच्छा लगा, बड़े अच्छे शब्द सुने। तब हमारा लंगर नीचे हुआ करता था, नीचे वाले हॉल में, मेरा नंबर शुरू में आ गया, मैंने लंगर किया,
लेकिन घर जाने की इच्छा नहीं थी। तो मंदिर में पीछे की तरफ जहां पर आजकल लंगर भी होता है, ओपन स्पेस है, वहां पर वॉल के साथ में एक बड़ी लंबी बेंच टाइप मार्बल की बनी हुई है, वहां हम अक्सर बैठ जाया करते थे। उस दिन मैं लंगर करके वहां बैठ गया, ऊपर मैं मून की तरफ देख रहा था, बड़ी अच्छी फीलिंग हो रही थी, अंदर से शब्दों की आवाज आ रही थी जो अंदर चल रहा था, उस टाइम में सूफी म्यूजिक भी चल रहा था। काफी देर में बैठा रहा, फिर इच्छा हुई चलो अब घर चलते हैं, और मैं वहां से मैंने कार स्टार्ट की। जैसे मैंने कार स्टार्ट की और मैं टी पॉइंट तक पहुंच रहा था, मैंने रियलाइज किया कि मैं कार कुछ तेज चला रहा हूँ। होंडा सिटी कार थी मेरे पास में, मैंने कान पकड़े, गुरुजी का स्वरूप सामने था, गुरुजी से कहा मैंने, गुरुजी मैं तो कार इतनी तेज कभी नहीं चलाता, आई एम सो सॉरी। और मैंने अपनी स्पीड कम कर ली, टी पॉइंट पे आए, वहां मैंने राइट टर्न किया दिल्ली की तरफ अपना आने के लिए, मैंने देखा कि आगे बहुत बड़े बड़े ट्रक्स थे, वो डंपर्स चलते हैं, जो लोग बड़े मंदिर आते हैं जिन्होंने वो देखा है कि उसके सैंड के, बजरी के, पत्थर के बड़े डंपर होते हैं, बड़े वाले, वो डंपर रात के टाइम में काफ़ी चलते हैं, वहाँ से बदरपुर वगैरह लेके निकलते थे, वो आगे आगे थे, मेरे आगे एक दो कार थी और वो हमें साइड नहीं दे रहे थे। खैर हम चलते रहे चलते रहे चलते रहे, राधा स्वामी सत्संग व्यास निकल गया, फतेहपुर बेरी निकल गया, हम उन्हीं के पीछे पीछे थे। जैसे फतेहपुर बेरी निकला, थोड़ा सा और आगे चले, तो मैंने देखा मेरे आगे जो कार है उसने लेफ्ट से ओवरटेक किया, वहाँ थोड़ा रास्ता था, मैंने भी उसके पीछे से ओवरटेक किया। और उसके बाद में जब मुझे होश आया, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं देखता हूँ कि मेरी कार राइट टर्न करके पेमेंट से लगी खड़ी है, और मैंने राइट को मुड़ के देखा तो वो एक डंपर मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, शीशे टूटे हुए हैं, सारा कांच के पीसे मेरे अंदर हैं, ऊपर आए हुए हैं। कार को मैंने ऑफ किया, लेकिन मुझे लगा कि मेरे हाथ पैर जरूर टूटे हुए होंगे। तो मैंने वहाँ बैठे बैठे, मैंने कहा चोट गर्म है अभी, मैंने अपना फ़ोन निकाला, मोबाइल फ़ोन, और मैं पुलिस को 100 नंबर डायल कर रहा था। मैं बराबर नंबर मिला रहा हूँ, लेकिन मुझे पुलिस का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। इतने में वहाँ लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ लग गई, और वो शोर मचाने लगे कि यहाँ ट्रैफिक रुक रहा है, आप बाहर निकलिए बाहर निकलिए। तो मैंने लेफ्ट में देखा लोगों को, मैंने कहा मैं कहाँ बाहर निकल पाऊंगा, राइट में मेरा ट्रक चला हुआ है। तो उन्होंने लेफ्ट का दरवाज़ा खोला और मैंने किसी का हाथ मांगा, उसने मुझे हाथ दिया, मैंने कहा अभी मुझे खींच के बाहर निकालेंगे। उन्होंने हाथ दिया, मैंने हाथ पकड़ के मैं बाहर निकला, और निकल के मैं खड़ा हो गया, और मैंने कहा शायद मेरी चोट अभी गर्म है। मैंने अपने ऊपर से सारा कांच वो सारा निकाला जो मेरे ऊपर पड़ा हुआ था, और मैंने खड़ा होकर देखा, संगत जी मेरे पास एक खून का कतरा मेरी बॉडी पर नहीं था। जो कोई वहाँ से निकले वो देखे तो वो उसको ये था कि इस कार के अंदर कोई आदमी बचा नहीं होगा, जो जिस कंडीशन में मेरी कार वहाँ पे खड़ी थी, जिस तरह से ट्रक मेरे ऊपर था। अब मैं घबराहट तो ये थी कि बड़े मंदिर से आया हूँ, अब ये क्या हो गया मेरे साथ में, मैं अकेला रहता हूँ, मैंने कहा अब कहाँ जाऊँगा, कैसे पुलिस का होगा, पुलिस को कैसे बुलाऊँ मैं सोच रहा हूँ, भीड़ इकट्ठी हो गई। इतने में मैं देखता हूँ पीछे से एक कार आई, और उस कार में उन्होंने साइड में खड़ी करी, और उसमें तीन लोग उस कार में थे, एक अंकल आंटी थे, एक सफ़ेद कपड़े में आदमी थे, ये निकल के मेरे पास आए और पूछा अंकल आपको कोई हेल्प चाहिए? मैंने कहा हाँ, वैसे तो गुरुजी साथ हैं, लेकिन ये सब लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पर, ये सब गुजर लोग, ये सारे लोग हैं, ये मुझे तंग करेंगे, मैं पुलिस बुलाना चाह रहा हूँ, मुझे पुलिस नहीं मिल रही। तो उनमें वो जो सफ़ेद कपड़े में आदमी था वो बोला, यहाँ सामने उस टाइम में पार्क एक्जोटिका करके एक रिजॉर्ट होता था, जहाँ मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था, चंदन हौला करके जगह फतेहपुर बेरी के आगे। तो उसने बोला मैं बुला के लाता हूँ, वो वहाँ से पुलिस को लेके आ गया, पुलिस आ गई, पुलिस ने देखा वो जो ट्रक का ड्राइवर था वो भाग चुका था, वहाँ पे कोई नहीं था उस टाइम में। तो पुलिस ने देख के मुझसे कहने लगे आप इसको साइड में कर लीजिए। मैंने कहा ये कार कहाँ चलेगी, हालांकि मैंने उसको ऑफ किया था। वो कहते नहीं आप इसको साइड में कर लीजिए। तो मैं कार को मैंने उसको साइड में किया, और वो ट्रक वाला पीछे था, ये लोग उससे बात कर रहे थे। इतनी देर में पीछे मोटरसाइकिल पे दो लोग आते हैं, वो रुकते हैं मेरे पास, और मेरे पास आके कहते हैं मेरे कान में कि मैं मेरा काम डेंटिंग का और गैराज है मेरी कार की वसंत कुंज में, अगर आप कहें तो मैं ये देख के बता सकता हूँ उसमें क्या खर्चा आएगा। मैंने कहा प्लीज़ देख लो, लेकिन वो गांव के लोग उनको मना कर रहे थे कि मत देखो, मुझे नहीं पता वो क्यों मना कर रहे थे, क्या बात थी, लेकिन मैंने उनको बोला तुम देखो। उसने जाके जहाँ मेरी कार को सारा पूरा देखा और आके मुझसे बोला कि भाई ऐसा है मेरी वसंत कुंज में गैराज है, मैं इसको बहुत ज़्यादा में नहीं, मैं सस्ते में आपका काम कर दूंगा। मैंने कहा क्या लगेगा? कहता है 8-10 हज़ार में हो जाएगा।
मुझे उम्मीद नहीं थी, होंडा सिटी कार के दो दरवाजे बिल्कुल टूटे हुए थे, स्मैश थी मेरी कार उधर से। मैंने कहा चलो ठीक है, आप अपना नंबर मुझे दे दो, मैं आपको कॉल कर दूंगा। मैंने उनको ये कहा। ये लोग जितने थे ये उस टाइम में बात कर रहे थे, पता नहीं कहाँ से उस ट्रक का ओनर भी आ गया और ये निगोशिएट कर रहे थे। मैं अपना वहाँ पे मैं खड़ा था, पुलिस वाले, तो मुझसे जो सफ़ेद कपड़ों में आदमी था वो मुझसे आके कहता है आप बड़े मंदिर से आ रहे थे। मैंने कहा हाँ जी। कहता है देखो आप बड़े मंदिर से आए हो गुरुजी के पास से, आपको जरा सी चोट नहीं लगी, पुलिस वाले आपको कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन चलो, अब आप रात को कहाँ पुलिस स्टेशन जाओगे, ये भी आपको तंग करेंगे, आप इनके साथ में राजीनामा करके इस केस को यहीं ख़त्म कर दो। मैंने उनकी बात समझ में आई, मैंने कहा कहाँ मैं परेशान होऊंगा। और उन्होंने एक बात और भी बोली, उन्होंने बोला जो आपका कष्ट था वो गुरुजी ने इस कार के ऊपर सारा कष्ट डाल दिया। वाकई वो तो था, वो तो मेरी मौत थी उस दिन, लेकिन गुरुजी ने उस कार के ऊपर वो सारा कष्ट निकाल दिया था। मैंने उस दिन राजीनामा लिखा और रात को मैं करीबन 12:30 बज गए थे, मैं घर पहुंचा, प्रेसन किले में मैं रह रहा था साकेत में। मैंने कार खड़ी करी, मैं जाके मैं अपना लेट गया, गुरुजी का ध्यान किया, आंख लग गई मेरी, और तभी मेरा फ़ोन बजता है और मेरे पे किसी की कॉल आती है, मुझे पूछता है अंकल आप ठीक ठाक पहुंच गए हो घर। मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक पहुंच गया हूँ। मुझे लगा कि शायद वो जो अंकल आंटी रात को रुके थे शायद उन्होंने मुझे कॉल करी होगी, कोई बात नहीं, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा। मैं सो गया, सो पाया, कैन यू इमेजिन इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद में। नेक्स्ट मॉर्निंग में उसी कॉलोनी के जो और लोग थे, मेरी सिस्टर भी रहती वहाँ, उन्होंने मेरी कार को खड़े देखा तो सब बड़े घबराए और सीधा मेरे पास आए और पूछने लगे भाई आप ठीक हो, ये कार को कल क्या हो गया। मैंने बताया नहीं नहीं एक्सीडेंट हो गया, आई एम ऑल राइट। दे वर ऑल सरप्राइज। मेरी नीस थी, अब मैं सोच रहा था उस दिन नेक्स्ट डे मेरी मीटिंग्स थी कि आज मेरा काम कैसे होगा, अभी कार को तो मुझे गैराज देना होगा। तो वो मेरी नीस कहने लगी कि मामा जी आप ये मेरी कार आप ले लीजिए, मैं ऑफिस मेट्रो से चली जाऊँगी जब तक आपकी कार ठीक होकर आती है। और उसने अपनी कार की चाबी मुझे दे दी तो मुझे कार मिल गई। थोड़ी देर में मुझे फोन आता है उस मैकेनिक का जो रात को रुका था, कहने लगा जी मैंने गैराज खोल दी है और आप अपनी कार ला सकते हो। मैंने कहा ठीक है मैं कार लेके आता हूँ। मैंने 9 बजे के करीब मैंने अपनी कार स्टार्ट की, मैं उसके पास में गया, उसकी छोटी सी गैराज थी, उसको मैंने कहा कि तू मेरी कार में बैठ जा, मुझे घर छोड़ दे और उसके बाद में तुम कार रख लेना। तो मेरे सराह आते आते कहता है मैं कोशिश करूंगा इस कार को शाम तक ठीक करके आपको दे दूं। और ये बात मुझसे करा था, घर आ गया, घर मैंने उसको बोला चल मेरा घर भी देख ले जब तू यहाँ तक आया है। मैं उसको घर में ले गया, मैंने कहा चाय पिएगा, मैंने उसके लिए चाय बनाई। वो मुझसे कहने लगा कि आप बड़े मंदिर से आ रहे थे, वो मुस्लिम था, तो आप मुझे जरा गुरु जी के बारे में बताइए। अब आप देखिए वो मेरी कार में मुझे छोड़ने आया है, मेरे साथ बैठ गया और आधा घंटा बैठ के गुरुजी का सत्संग हुआ उसके साथ में। कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं कोशिश को पूरी कोशिश करूंगा मैं शाम तक आपकी कार ठीक करके दे दूं। मुझे पता था ये कहाँ शाम तक होगी। एनीवे वो मुझसे कार ले गया, मैं मेरी कुछ मीटिंग्स थी मैं अपनी मीटिंग्स अटेंड कर रहा था। आफ्टरनून में मुझे उसकी कॉल आती है मैकेनिक की और कहता है मैंने आपकी कार तो ठीक कर दी लेकिन पेंट आज थोड़ी बारिश हो गई, पेंट थोड़ा गीला है, मैं आपको कल दे दूं। मैंने कल दे देना। कहता आज बड़ी अजीब चीज़ हुई। मैंने क्या हुआ। कहता मैंने जब आपकी कार के दरवाजे वगैरह सारे खोले उसके अंदर तो जो इलेक्ट्रिकल पार्ट थे वो भी सारे टूटे हुए थे। अब मैं तो आपको कुछ पैसा बता चुका था। कहता है मैंने सोचा मैं मायापुरी जाता हूँ, ये वहाँ गया जहाँ पर पुरानी कार के पार्ट्स मिलते हैं। कहता मैं वहाँ गया, ज़्यादातर दुकानें बंद थी, एक जगह खुली हुई थी और वहाँ आपकी कार का उसी कलर का वैसा ही एक दरवाज़ा बाहर रखा हुआ था। कहता मैंने उसको निगोशिएट करके ले लिया, फ़र्क खाली ये था कि आपके डोर के हैंडल क्रोम के थे, ये पेंटेड थे तो मैंने सबको पेंट कर दिया। मैंने वो एज इट इज़ बिना कुछ करे उसको ला के फिट कर दिया और आगे वाला जो आपका डोर था उसको मैंने रिपेयर कर दिया और मैं पेंट थोड़ा गीला कल दे दूंगा। नेक्स्ट डे उसने मुझे वो कार दे दी, पेमेंट जो उसने मुझे बताया था उतने मेरा काम कर दिया। आई वाज सरप्राइज कि सब कुछ क्या हुआ। उसके करीबन 10-15 दिन बाद एक सत्संग था सरिता आंटी के यहाँ और मैं उस सत्संग में था और वहाँ पर मुझसे बोले आप अपना सत्संग कीजिए। मैं अपना सत्संग करने लगा, मैंने नोटिस किया कि जो रात को अंकल आंटी वहाँ रुके थे, मेहरा अंकल थे उस सैनिक फॉर्म के, पहले मैं उनका नाम नहीं जानता था, वो भी वहाँ बैठे थे। तो मैंने अपना ये वाला सत्संग किया और मैंने कहा ये अंकल आंटी वहाँ थे
और इन्होंने मेरी कार देखी थी और देख के बता सकते हैं कि क्या फीलिंग थी, इसमें कोई आदमी बचा होगा। मैंने अपना सत्संग कंप्लीट हुआ, वो अंकल वहां पे खड़े हो गए और कहने लगे, अंकल आप अपने सत्संग में आप कह रहे हो कि वहां पर 3 आदमी हमारी कार में से उतरे। कहते मैं और मेरी आंटी, उस दिन हम पहले जब गुरुजी के मंदिर जाते थे तो हम लंगर के बाद में गुरुजी से आज्ञा लेके मत्था टेक के फिर लौटते थे। कहते उस दिन मैं जल्दी में था, मुझे कहीं जाना था और हमने आज्ञा नहीं ली, हम कार में क्विकली बैठ के निकले, रास्ते में आपकी कार देखी, हम रुक गए और हम वहां तो जा ही नहीं पाए। और आप कहते 3 आदमी, मैंने कहा अंकल उस सफेद कपड़ों में कौन था? तो आंटी कहती है, अरे हमारी कार में, इसका मतलब गुरुजी आए। नाउ आई गॉट शॉक, मैंने कहा गुरुजी उनकी कार में, मैंने तो 3 आदमी देखे थे बिल्कुल। और उन्होंने पुलिस बुलाई थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको कोई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, राजीनामा कर लो। मैंने राजीनामा कर लिया था, ये बात तो हो गई, उन्होंने कह दिया, लेकिन मन में मेरे फिर भी थोड़ा सा खटका था। उसके कुछ दिन बाद बड़े मंदिर में हम लोग बैठे थे हॉल में, और वो अंकल आंटी भी मेरे पास बैठे थे। पीछे मुड़ के मेरी निगाह गई तो मैं देखता हूँ कि गेट पे एक सज्जन खड़े हैं, सफेद कपड़ों में ही थे, और मुझे लगा कि शायद ये उस रात को ये थे वहाँ। तो मैंने चुपचाप इस अंकल से कहा, मैंने कहा मेरा अंकल, ये अंकल नहीं थे उस रात को? कहने लगे पागल हो गए, जब हम आपको कहा कि 2 आदमी थे, खाली 2 ही आदमी थे। अब तो श्योरिटी सी हो गई ऑलमोस्ट। उसके 15 दिन बाद ईद थी, एंड यू वॉन्ट बिलीव, वो जो मैकेनिक था मुस्लिम, वो ईद वाले दिन मेरे घर पे आया सुबह सुबह, अपनी एक नीस को साथ लेके आया था, मोटरसाइकिल पे आया। उसके हाथ में छोटा सा थैला था, उस थैले के अंदर एक समोसा था, 2 छोटे रसगुल्ले थे, एक चिप्स का पैकेट था, एक छोटी कोक की बॉटल थी। वो मेरे लिए लाया, बोला आज ईद है और मुझे आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा था, मैं आपको ईद के लिए ये लेके आया हूँ। वो मेरे साथ बैठा, उसके लिए मैंने फिर चाय बनाई। और मैंने उससे कहा, एक बात बताओ, उस रात को जब आप रुके थे तो वहां कितने आदमी थे? कहने लगा 4। मैंने कहा कौन कौन? कहता एक वो अंकल आंटी थे, एक सफेद कपड़े में थे और एक आप थे। उसको भी इमेजिन कीजिए गुरुजी ने दर्शन दिए। अब हम कैसे कह दें कि हम गुरुजी को ने, उस रात को मैं वहां से निकलता हूं, मेरा कष्ट गुरुजी ने उस कार के ऊपर निकाला, मेरे पास मैकेनिक भेजा, उन अंकल आंटी को भेजा, खुद गुरुजी आए, अगले दिन मेरी वो कार का रिपेयर हो जाना, मुझे मेरी नीस की कार का मिल जाना, ये सारी चीज क्या है? क्या ये कोइंसिडेंस है? इट्स नॉट ए कोइंसिडेंस, ये मालिक का शुक्राना है। ये सत्संग में खाली आपके साथ में इसीलिए शेयर किया, बताने के लिए कि इस तरह की बड़ी चीजें हमारे साथ में होती हैं। और भी मेरे साथ में कार के एक्सीडेंट हुए और हर बार कुछ ना कुछ मैसेज इसी तरह का मिला। मैं एक और सत्संग आपके साथ में कार का शेयर करूंगा। रुद्रपुर में बख्शी अंकल हैं, आप में से काफी लोगों ने जानते भी होंगे, शायद आप वहां गए भी हों, बड़े अच्छे सत्संग होते हैं वहां पर। तो रुद्रपुर में मैं उनके अंकल आंटी को मैं जानता था, उन्होंने बुलाया था, हम लोग पहले जा चुके थे। इस बार इस इच्छा हुई कि हम फिर गुरु जी के, उनका महासत्संग था उसमें जाएं। एक भार्गव अंकल हैं, जो इनका आपने सत्संग भी सुना होगा, गुरु जी के टाइम के बड़े पुराने हैं, गुरु जी के ऑक्यूप्रेशर सेवा करा करते थे वो गुरु जी की। जब मैं पहली बार रुद्रपुर गया था तो वो अंकल मेरे साथ गए थे। एक और अजय अंकल है, रितु आंटी है, वो भी मेरे साथ गई थी। इस बार भी उन्होंने कहा हम आपके साथ चलेंगे। और एक और नेहा आंटी है जो आजकल ऑस्ट्रेलिया में है, वो पहली बार रुद्रपुर जा रही थी, वो भी मेरे साथ कार में जा रही थी। मैंने उन्हीं उससे कुछ दिन पहले, जब मेरी होंडा सिटी का वो एक्सीडेंट हो चुका था, तो मैंने एक छोटी कार i20 मैंने वो ले ली थी, और नई कार थी मेरे पास में उस टाइम में, वो वाली कार। मैं उस कार में था तो हम सब जा रहे थे, जाते जाते बड़े अच्छे गुरु जी के सत्संग होते रहे। जब हम जाते हैं किसी सत्संग में, संगत साथ बैठती है, तो सारे रास्ते बड़ा हम ऐश करते हुए जाते हैं, एंजॉय करते हैं, कहीं रुकते हैं, ब्रेकफास्ट होता है, खाते पीते हैं और गुरु जी के शब्द सुनते हैं, सत्संग होता है। हम जा रहे थे, हमने मुरादाबाद क्रॉस किया, जब रामपुर के लिए, वो एक ये हाईवे था, हाईवे से हमें नीचे उतर के रामपुर से रुद्रपुर जाना था। तो मैंने जैसे कार को रामपुर के लिए नीचे की, वो काफ़ी नीचे उतरना था ऊपर हाईवे से, जैसे मैंने कार को वहाँ टर्न किया, मेरे बराबर में अजय अंकल बैठे थे, मुझसे कहने लगे, अरुण अंकल लास्ट टाइम हम जब आए थे तो इसका रामपुर का बाईपास बन रहा था और वो अब बन गया है बाईपास, मुझे लगता है हम अंदर जाएंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, बड़ा कंजेस्टेड होता है, बाहर से क्यों नहीं चलते? मैंने कहा मैंने तो साइन यहीं का लिखा हुआ देखा, लेफ्ट का मैं तो इधर उतर गया, अगर आप ऐसा कहते हो तो चलो लौट जाते हैं, अभी क्या फर्क पड़ा है।
मैं ऊपर उस स्लोप से नीचे उतर रहा था, मैंने शीशे में पीछे की तरफ देखा तो पीछे कुछ नहीं था। मैंने जैसे राइट टर्न किया, पता नहीं कहाँ से किसी चीज़ ने आके मेरी कार में पीछे की तरफ बहुत बुरी तरह हिट किया, मेरी कार पूरी टर्न हो गई। और लकीली कोई ट्रक लेफ्ट राइट से कोई नहीं आ रहा था, टर्न हो गई। मैंने और राइट में किया, वॉबल कर रही थी, मैं उतरा, देखता हूँ कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी, आगे ट्रैक्टर था पीछे ट्रॉली लगी हुई थी, उसके ऊपर पूरी लकड़ी भरी हुई थी ऊपर तक, और ट्रैक्टर और ऊपर स्लोप पे से वो आ रहा था, वो मेरी कार में पीछे से मारता हुआ आगे निकल गया। कार राइट में मुड़ गई, बम्पर वगैरह सारा टूटा हुआ था, नई कार थी। सबके मुंह से निकला जय गुरु जी, ये तो गुरु जी ने बचा लिया। अगर यही चीज़ 10 सेकंड पहले हुई होती तो वो ट्रैक्टर कार के बीच में मारता और हम चारों के चारों पांच लोग जो थे हम सब वहीं ख़त्म हो गए होते। सबके मुंह से निकला जय गुरु जी, चोट किसी को नहीं लगी थी, पीछे आंटी थी, थोड़ा सा उनके लगा जैसे कमर में थोड़ा सा दर्द हुआ, झटका आ गया होगा, दैट्स ऑल। खैर एनीवे, वहां पे हमने वो बम्पर वगैरह टूटा हुआ था, एक आदमी बराबर में खड़ा था, उससे पूछा कि भैया वो हम राम वहाँ जा रहे हैं रुद्रपुर, ये रामपुर का वो बन गया है बाईपास, कहता नहीं आप ठीक तो जा रहे थे, यहाँ का बाईपास अभी नहीं बना है, आप ठीक जा रहे थे। कैन यू इमेजिन संगत जी, हमने वहाँ से फिर यू टर्न लिया, हम रामपुर गए, रामपुर में जाके बम्पर वगैरह थोड़ा मैंने फिट करवाया, कार तो वॉबल कर रही थी। मतलब वहाँ पर जो हम वहाँ उसे जो निकले, खाली वो हमने अपनी कार में वो टक्कर करवानी थी, वो कोई कष्ट गुरुजी ने काटना था, जिसकी वजह से वहाँ पे उस स्पॉट पे वो ट्रैक्टर वाला आया मारा, हम फिर लौट के उसी रूट पे घूम के वहाँ वापिस चले गए, जाके हम रुद्रपुर चले गए, अगले दिन सत्संग था, सत्संग करके रात को वापस आए। नेक्स्ट डे मैं सुबह अपनी कार को हुंडई के शोरूम, साकेत में मैं रह रहा था, ओखला में शोरूम था, तो मैं उनका वो था वर्कशॉप में, वर्कशॉप कार लेके गया, वहाँ उन्होंने अपने सुपरवाइजर को बाहर भेजा कार चेक करने के लिए। वो आया वापस और आके मुझसे पूछता है, इस कार को आप साकेत से लेके आए हैं, चला के लाए हैं? मैंने कहा इस कार को मैं खाली साकेत से चला के नहीं लाया, इस कार को तो मैं 300 किलोमीटर रुद्रपुर से कल चला के लाया हूँ और आज यहाँ आइए। कहता है इस कंडीशन में इस कार का तो इम्पॉसिबल है इतनी दूर चलना, लेकिन वो तो गुरु जी थे ना, उसने वो कार वहाँ मेरी रख ली, 8-10 दिन लगे उस कार को ठीक होने में, एक्सेल वगैरह खराब हो गया था, बहुत उसके अंदर चेशी टेढ़ा हो चुका था। तो आपको खाली ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जब गुरुजी, हम गुरुजी के सत्संग में जा रहे थे, वो उस कार के ऊपर गुरुजी ने वो कष्ट निकाला हमारा, पता नहीं किसकी मौत थी उस दिन लिखी हुई। तो गुरुजी जब हमारे साथ होते हैं, हमारा बाल बांका नहीं हो सकता, गुरुजी में फेथ रखनी है हमें। अगर हम फेथ से गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी यही कहते हैं भाव रखो, गुरुजी कहते हैं तुम मुझे ध्यान में रखो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो हम पूछते हैं गुरुजी कैसे ध्यान में रखो, कहते हैं बट जस्ट बैक ऑफ योर माइंड, मेरा टेप तुम्हारे माइंड में चलता रहना चाहिए, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, आप जो काम कर रहे हो आप वो काम गलत कर ही नहीं सकते। वाकई ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इस चीज़ का कि बैक ऑफ माई माइंड हमेशा गुरुजी का ध्यान रहे। संगत जी वही चीज़ आपके साथ भी है, हम सबको हर वक्त गुरुजी का खाली ध्यान में रहना है, फिर हम जो भी काम करेंगे हमें मालूम है उस काम को हम गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब हम गुरुजी के ध्यान में होते हैं तो हमारी बॉडी के बाहर जो ऑरा निकलता है वो एक पॉजिटिव ऑरा होता है, और उस ऑरा की वजह से नो नेगेटिव फोर्स कैन टच अस, प्रोवाइडेड वी आर इन द, हम भाव से गुरुजी के ध्यान में हैं। इसीलिए गुरुजी कहते थे कि जब तुम मेरे से जुड़ गए तो ये पंडित पुजारियों की बताई हुई अंगूठी है, ये नग जो आपने पहन रखे हैं, जो बहम आपने कर रखे हैं, धागे बांध रखे हैं, कहते इन सबको उतार दो, अब तुम्हें इस किसी चीज की जरूरत नहीं है। कहते जब तुम मेरे ध्यान में हो तो मैं तुम्हारी बॉडी से जो ऑरा निकल रहा है मैं उसको पॉजिटिव कर देता हूँ, विच गिव्स यू प्रोटेक्शन ऑल अराउंड योर बॉडी, वो तो एक आर्मर बन जाता है, वो तो हमारा एक कवच बन जाता है। और अगर आप ये कोई दूसरी चीज़ें पहनते हो उन सब में भी एनर्जी है, पन्ना पहना, मूंगा पहना, मोती पहना, हमने कोई भी, ये पंडित ने बताया उस टाइम में शायद मुझे ज़रूरत होगी तो, लेकिन अब मैं जब गुरु जी से जुड़ गया अब मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो गुरु जी कहते हैं इनको उतार दो, जो गुरु जी चोले में थे इसको कहते थे बहते पानी में बहा दो, कई बार लोग सोचते थे इतना महंगा पोखराज पहन रखा है मैंने इसको बहा दूँ, लेकिन लोग बहाते थे, फेथ है गुरु जी के अंदर। अभी हम यही कहते हैं कि इन सबको उतार दो, क्योंकि अगर आपने पहने होंगे तो ये परफोरेट कर देगी, जो गुरुजी ने हमारे ऊपर चादर उड़ाई है प्रोटेक्शन की, उसके अंदर वो परफोरेशन हो जाएगा, फिर हम कहाँ, हम कहेंगे गुरुजी के पास हम आते हैं लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, वो कुछ क्यों नहीं मिल रहा, गुरुजी तो हमें दे रहे हैं, लेकिन क्या हमने गुरुजी को उस भाव से माना,
गुरु जी की बात मानी हमने या नहीं मानी, हमें गुरु जी को उस फेथ से मानना है, कोई सुपरस्टिशन नहीं रखना है। गुरु जी ने कहा अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ एनी टाइप। गुरु जी के पास सबसे बड़ी चीज यही है। और गुरु ने कहा कि दूसरों का, किसी का बुरा मत करो, दूसरों का अच्छा करो, अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो, गरीब की सेवा करो, अपनी जो तुम्हारी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटीज पहले पूरी करो, घर में बड़े बूढ़े हैं उनका पहले ख्याल करो, माँ बाप हैं उनकी रेस्पेक्ट करो, उनके खाने पीने का ख्याल करो, घर में आपकी हाउस वाइफ्स हैं अपनी फैमिली का ख्याल करो, हस्बैंड्स हैं अपने ऑफिस में काम करते हो, कहते अपनी इंटेंशन ठीक रखो, और जब तुम इंटेंशन ठीक रख के फिर मेरे पास आओ तब मेरी ब्लेसिंग मिलेगी। अगर आप सोचो कि मैं दिन भर सारे और अपने काम तो ठीक से नहीं कर रहा, मैं धोखाधड़ी करता हूँ, चीट करता हूँ, गलत काम करता हूँ, और फिर मैं सोचूं कि मैं तो गुरु जी का भी ध्यान कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो मुझे उसमें कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। गुरु जी कहते हैं अगर तुम दो घड़ी भी अगर ध्यान मेरा ठीक से कर लोगे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और गुरु जी ने हमें इसीलिए गुरबानी से जोड़ा। संगत जी एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब हम गुरुजी के पास जाते थे तो जैसे मैंने बताया पहले भी कि मुझे, मैं पंजाबी नहीं हूँ तो मुझे ये गुरबानी समझ नहीं आती थी, और मैं सोचता था कि हम यहाँ पे क्या सुन रहे हैं, ये गुरबानी क्यों सुन रहे हैं। तो मुझे कहा जाता था कि आप इसको सुनो, समझने के लिए किसने कहा है, और मैं सोचता था कि सुनने से क्या होगा। लेकिन मुझे धीरे धीरे अकल आई इस चीज़ की कि गॉड जो है, परमात्मा जो है, वो वाइब्रेशन है। जैसे गुरुजी कहते थे मैं तो लाइट में से आया हूँ, लाइट में चला जाऊँगा, मैं वाइब्रेशन हूँ। और गुरुजी ने जो हमें गुरबानी से जोड़ा, ओंकार से जोड़ा, ओम से जोड़ा, ये ओम की जो आवाज़ है, जब कहते हैं ना जब धरती बनी थी, साइंटिस्ट ने भी, नासा ने भी, इन सब ने रिकॉर्ड करी पुरानी वॉइसेज निकाल के, और वो कहते हैं वो जो आवाज़ थी वो ओम की आवाज़ थी। तो गुरुजी जो कहते हैं मैं ओम हूँ, तो गुरुजी वो साउंड है, वो वाइब्रेशन है, और उस वाइब्रेशन को हम अपने अंदर लेते हैं। जब हम गुरबानी सुनते हैं तो उसको हम अपने अंदर लेते हैं, तो जब वो वाइब्रेशन मेरे अंदर जाती है तो क्या होता है, जैसे अगर एक धरती सूखी है और ऊपर से बारिश होती है, अगर बूंदे पड़ती हैं, छींटा मारते हैं तो वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, उसी तरह से मेरी बॉडी में जो मेरी सोल है वो कहाँ है, हर एक सेल में है, वो गंदी है, वो भूखी है, वो ड्राई है, और उसको जब ये गुरबानी मिलती है, जब मैं गुरु के ब्लेस करे हुए शब्दों को सुनता हूँ, गुरु के ब्लेस करे हुए, गुरु ने हमारे लिए गुरबानी तो सेलेक्ट की, लेकिन गुरु ने हमारे लिए रागी सेलेक्ट करे, उनके सेलेक्टेड शब्द सारे सेलेक्ट किए, और उन्हीं शब्दों को वो गुरुजी हमें सुनवाया करते थे, और कहते थे कि जब तुम सत्संग में बैठते हो, जब तुम मेरे ध्यान में बैठते हो तो उन शब्दों को सुनो, वो तुम्हारी दवाई है, आगे पीछे तुम जो कुछ चाहे सुनना चाहो सुनो, और शब्द सुनो, सूफी गाने सुनो, फिल्मी गाने सुनो, एनीथिंग यू कैन लिसन टू भजन, लेकिन जब गुरुजी के मेडिटेशन में, गुरुजी को सामने बैठा के जब हम गुरुजी का आसन लगाते हैं, या मैं खुद मेडिटेशन करता हूँ, फील करता हूँ गुरुजी सामने हैं, गुरुजी के स्वरूप के साथ में बैठते हैं, कहते हैं उस टाइम के अंदर तुम उन शब्दों को सुनो, समझने की कोशिश मत करो, वो वाइब्रेशन अपने अंदर लो, जैसे जैसे वो वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर जाएंगे तुम्हारा भांडा साफ होगा। भांडा मीन्स हमारी सोल के अंदर जो ये परतें जमी हुई हैं, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है, जब हम गुरबानी को सुनते हैं, गुरुजी के ध्यान में होते हैं, तो वो लेयर्स हटनी शुरू होती हैं, और जैसे जैसे मेरी लेयर्स हटनी शुरू होती हैं, आई स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ब्लिस, मुझे वो आनंद आना शुरू होता है, धीरे धीरे हम एक्सपीरियंस करने लगते हैं हैप्पीनेस को, हम गुरुजी के शुक्राने को, हम परमात्मा को समझने लगते हैं, और उसी तरह से जैसे कई बार हम सोचा करते थे कि कोई इंसान गुरुजी के पास में बिल्कुल नई नई संगत आई है, उसको आते ही पहले दिन ब्लेसिंग मिल गई, उसके सारे कष्ट दूर हो गए, और मैं सोचता हूँ मैं 10 साल से 15 साल जा रहा हूँ मेरा तो नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो इंसान गुरुजी के पास में अपना भांडा साफ करके आया था, चाहे उसने जिस भी रिलीजन को माना था, लेकिन उसने अपने भांडे को साफ रखा हुआ था, उसने अपने भाव से वो परमात्मा से कनेक्ट हुआ हुआ था, तो जब वो जैसे गुरुजी के पास आता है तो गुरुजी इमीडिएटली उसको अपनी ब्लेसिंग देते हैं, क्योंकि गुरुजी ने उसकी सोल को रीड कर लिया, देख लिया कितनी साफ है। और गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं भाई देव, ये मत सोचो कि खाली एक को आज मुझे करेंगे, आपको करेंगे, किसको करेंगे, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। टाइमिंग गुरुजी डिसाइड करते हैं कि कब किसका वक्त आएगा, कब किसको कितनी ब्लेसिंग देनी है, तो हमें खाली गुरुजी का शुक्राना करना है, हर वक्त शुक्राना करना है, हर एक चीज़ का शुक्राना करना है।
जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है और आप रियलाइज करेंगे, हो सकता है कि यू माइट बी गोइंग थ्रू ए टफ फेज राइट नाउ। और लगता है कितनी बार हमें कोशिश, हम फिसल जाने की कोशिश करते हैं, हम जहाँ से आए थे वहीं चले जाते हैं, क्यों ना उसी पंडित पुजारी के पास चले जाएं, क्यों ना फिर से वो अंगूठी पहन लें, शायद मेरे ग्रह ठीक हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब हम गुरुजी हमारा टेस्ट लेते हैं। और मैंने कई बार ये रियलाइज़ किया है अपने आप भी कि जब मेरी चू निकल जाती है, अब लगता है कि अब इसके आगे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और मैं कहता हूँ गुरुजी अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, और मैं देखता हूं जैसे चुटकी बजाते ही समथिंग और द अदर हैपन्स और मेरी वो सारी वरीज एकदम खत्म हो जाती हैं। अगर वर्क रिलेटेड होती हैं, कहीं ना कहीं से मुझे टेलीफोन कॉल आ जाती है, फाइनेंस रिलेटेड होती हैं, कोई ना कोई मैसेज ऐसा आ जाता है कि भाई मेरे पास में पैसा आ रहा है या आने वाला है, समथिंग और द अदर हैपन्स। एंड संगत जी, आई एम श्योर आप सब ने भी ये चीज रियलाइज करी होगी। इसलिए गुरु जी से जब हम जुड़ गए, अब फिसलना नहीं है हमें, हमें कहीं और नहीं जाना है, हम बहुत अच्छे दर पे हैं, संगत के साथ हैं, तो संगत हमारी सपोर्ट है, एक्चुअली यही हमारी फैमिली है। गुरुजी हमारी लाइफ में से नेगेटिविटी हटा देते हैं, नेगेटिव लोगों को हमारी लाइफ में से दूर कर देते हैं, और एक एक करके आप देखेंगे दैट यू आर सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल, यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय गुड कंपनी, एंड यू ऑलवेज रिमेन इन ए पॉजिटिव मूड जो गुरुजी हमें देते हैं, पॉजिटिविटी। तो हम गुरुजी से यही अरदास करते हैं कि गुरुजी हम सबको, संगत को, सबको अपने से जोड़े रखें, हम सबको ब्लेसिंग देते रहें। संगत जी आप सब भी परिवार में सब खुश रहें, ये पीरियड हमारा टफ पीरियड चल रहा है, ये भी निकल जाएगा, और संगत जी आपस में एक दूसरे की हेल्प करें। मुझसे भी अगर कोई कभी भी कोई बात करना चाहता है तो आप मेरे से प्लीज़ जब चाहे मुझसे आप कॉल कर सकते हैं, सोनिया आंटी से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, हम बात कर सकते हैं, उसमें मेरा भी कल्याण होगा। गुरुजी हम सबको मीडियम बनाते हैं एक दूसरे के लिए, हमारे सत्संग के मीडियम से, हमारी बातों से, हमारा शेयरिंग करने से, हमें पता नहीं हम किसका कल्याण किसका किस रूप में गुरुजी कर देते हैं। आज भी मुझे पता नहीं गुरुजी ने मुझसे क्या क्या चीज़ कहलवा दी सत्संग के अंदर, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अगर मेरे से कोई गलत शब्द निकल गए हो या मेरी किसी बात से कोई हर्ट हो गया हो, संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, लख लख शुक्राना आपका। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। आई क्लोज माय सत्संग नाउ, थैंक यू।